बड़ी एक बात है कि अब तो खैर प्राइम मिनिस्टर भी हो गए पाकिस्तान के, और क्रिकेट के लिहाज से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा ना कि एक कदम इंडिया चलेगा मैं दो चलूंगा, शायद वो कदम क्रिकेट के लिहाज से ही हो जाए। आई होप सो, बट आई थिंक स्किपर इमरान भाई विल टेक सम टाइम। इट्स जस्ट महीना पहले अभी आए हैं, बट ही आई थिंक व्हाट ही वांट्स, जो उनका माइंडसेट क्या है कि मुल्क के हालात बेहतर हों, अपने नेबर्स से उनकी दोस्ती रहे ताकि सब इकट्ठे होकर चलें फ्यूचर में। आई थिंक अब वो जैसे उन्होंने कहा कि अगर इंडिया एक कदम लेगी उठाएगी तो मैं दो कदम उठाऊंगा, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स। और क्रिकेट के मैदान में भी हो सकता है कभी ना कभी आगे चलकर, क्रिकेट के मैदान में भी, या यू नो स्पोर्ट्स, पीपल कॉन्टैक्ट, पीपल कॉन्टैक्ट फ्रॉम ईच कंट्री टू दिस कंट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारा बंद हुआ पिछले दो तीन साल से। अभी जैसे फॉर सिद्धू वॉज देयर इन पाकिस्तान फॉर द ओथ सेरेमनी, ही लव्ड इट। आई मीन सिद्धू वॉज ऑल ओवर, आई मीन एवरीबडी वॉज वेटिंग, वो सिद्धू कब लैंड कर रहा है, कब आ रहा है, यहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है। इतना प्यार करते हैं हम, यू नो क्रिकेटर्स से स्पेशली बड़ा प्यार है पाकिस्तान। शहरी बाजी से आपकी खूब बातचीत हुई? हाँ हाँ बिल्कुल बातचीत हुई। शहरी वैसे चुप तो नहीं ना होते ना, वही तभी पूछ रहा हूँ। बातचीत हो गई मतलब बहुत कुछ सुन लिया मैंने, सुना। हाँ नहीं सही बात है। अच्छा 80s में सनी भाई क्रिकेट भी ऐसी थी शारजा में कि पहले सिर्फ इंडिया जीतता था पाकिस्तान से। वो एक मैच ऐसा हुआ वो जो छक्का जावेद मियादाद ने मारा, उसके बाद फिर इंडिया हारने शुरू हो गया। ये ऐसे कैसे एकदम बदलाव हो गया? देखिए कभी कभी नाइट का भी दिन बनता है ना। हाँ जी। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। सो यू हैव 12 आवर्स ऑफ डे, 12 आवर्स ऑफ, एंड दैट साइकिल विल ऑलवेज बी देयर इन क्रिकेट, बिकॉज जो टीम हारती है वो जान लेती है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है एंड हाउ टू इम्प्रूव दैट, एंड वंस दे इम्प्रूव दैट दे बिकम इक्वल और इवन बेटर। सो दैट्स वॉट पाकिस्तान डिड विद दैट पर्टिकुलर इन दैट गेम, बिकॉज इन दोज डेज टू स्कोर 250 वॉज डिफिकल्ट। 5 रन एंड ओवर एवरेज वॉज, यू नो 200-250 वॉज कंसिडर्ड अ विनिंग टोटल। नाउ रोहित शर्मा गेट्स 264 हिमसेल्फ वन इंडिविजुअल, सो दैट द गेम हैज चेंज दैट मच। सो clearly I think Pakistan learned from its mistakes. They always had a good team, but sometimes when you're losing you keep thinking, you know, how do we win, how do we win, and there's not the confidence. But one win is what can turn it around, and that's what happened with that six. wo jeet bhi to aisi hui sani bhai, aajkal to last ball pe chakke ho jate hain, lekin wo ek chakka jo hai India kai saal nahi bhula paya. Acha wo match bhi aisa tha, mujhe thodi si galat fehmi ho gayi thi, mujhe laga tha aapko Wasim bhai ne out kiya tha. Sani bhai ka pehla one day 100 ho raha tha us din, 92 रन पर आउट हो गए। अच्छा मुझे अभी तक यही था, मैंने कहा वसीम भाई आपने आउट कर दिया, सनी भाई का नहीं, तो स्कोरबोर्ड चेक किया आपने, इमरान ने आउट किया था। लेकिन वो मैच भी ऐसा था, एक वक्त पर लग रहा था कि भारत 300 रन बना देगा जब आप और श्रीकांत शायद बैटिंग कर रहे थे। उस तरह का क्रिकेट मैच भी अक्सर होता नहीं है, वो सिर्फ जावेद मियादाद का आखिरी बॉल का छक्का नहीं था उस मैच में, सनी भाई इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहे। हाँ तो ये तो ब्यूटी है ना लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की, खास करके जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक आधी ओवर में गेम पलट सकता है, या तो 3 विकेटें गिर सकती है एक ओवर में, या एक ओवर में आप 20-25 रन बना सकते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड। वी गॉट ऑफ टू अ स्टार्ट, बट द अदर्स हु केम इन वर नॉट एबल टू कैपिटलाइज। और इसलिए तो कहते हैं ना कि इफ़ यू आर सेट बैट टिल द 50th ओवर, क्योंकि जो बंदा नया आता है बल्लेबाजी करने के लिए उसको इतना आसान नहीं बनता जितना सेट बल्लेबाज को होता है। So that's why the captains and the coaches tell you, you bat till the end and you will be able to get more runs. Yeah, and I'll give you an example. In Sharjah, I think 85, when India, Kadir bhi aap bhi to us match, when India won 25 all out. Azhar bhai ne run bana. It was a green top pitch. I'm talking about pressure Indo-Pak game. And Pakistan chasing 125 all out 87. And spinners got wicket. Ravi Shastri got 4 wickets on a green top. Shiva Rama ne bhi wicket liya on a green top. But that was the pressure. That's the pressure we talk about Indo-Pak game. Because ek galti ki gunjayish nahi hai aapke paas. You know, it's so much in your head going around. Agar haar gaye to kya hoga? And that's I think any sportsman ke liye, it's the worst thing when you think, if I lose, what will happen? Because if you think that way, most probably you lose most of the time. To ye hota tha Sharjah mein. Teamein एक दूसरे से डरती थी, यार हारना नहीं है। मतलब अपने फैंस के लिहाज से ऊपर हम प्रटेंड करते थे कि हारना नहीं है, बट हमें पता था कि इट बी अ क्लोज गेम। आई स्टिल से इफ इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड ऑन पेपर एंड पाकिस्तान इज से यंग साइड, बट आफ्टर द टॉस आई थिंक द बैलेंस बिटवीन बोथ साइड इज 50-50 बिकॉज ऑफ द प्रेशर। जितनी मर्जी टीम एक अच्छी हो जाए,
बट वो प्रेशर इतना होता है कि इन दी एंड टॉस के बाद इस 50-50 जो मेंटली स्ट्रांग होता है इन दी एंड आई सपोज वो जीतता है. अच्छा, इस एशिया कप में आप इंडिया पाकिस्तान में फेवरेट किसको मानते हैं? इंडिया पाकिस्तान में फेवरेट, देखिए ऑन पेपर्स तो ऑब्वियसली इंडिया फेवरेट है विराट के बिना. विराट के, हाँ विराट से देखिए, मैं जब मुझे लोगों ने पूछा विराट इज हैज बीन रेस्ट, आई मीन उसको रेस्ट कराया गया एंड राइटली सो इज बीन प्लेइंग क्रिकेट, बट आई थिंक जब सचिन नहीं था खेलता ना इंडिया से, या अजरुद्दीन व्हेन दे वर इंजर्ड और दे नेवर प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान वन गेम एंड ऑफ गेम, आई एज अ बॉलर माय कॉन्फिडेंस यूज टू गो स्काई हाई. आपको लगता था कि भाई बिकॉज इंडियन टीम यूज टू बैंक ऑन अ सनी भाई, अजरुद्दीन एंड ग्रेट सचिन तेंदुलकर. And I think, as I'm talking about as a bowler, so I think same probably go for Pakistani team, ke Virat is not there, although India ki team ki batting badi achhi hai in wicketon ke liye, no doubt. But Virat is not there, usse Pakistani bowlers ko psychologically boost milega, mere khayal mein. Aur milna bhi chahiye. Aur Champions Trophy ka final, yeah, that was about... Hua hai India ke liye, aapko lagta hai? Huh? Wo India ke liye hua hoga, Champions Trophy ka final? Unke back of the mind hoga, but I suppose, you know, when you play cricket, I think these all the greats will agree with me, you don't actually think what happened a year ago. You focus what's going to happen today, tomorrow, when I'm going to play against India. You don't think that last year we lost the final to India. Kya hoga? No, I don't think so. You think on those lines at all when you're playing cricket. Latest khabron ke liye yun hi dekhte rahiye Aaj Tak. और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.